हे गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 3 AM, भूत वाला टाइम। सो अभी मैंने बुक कराई कैब और मैं निकलने वाला हूँ झुंझुनू के लिए, क्योंकि मैं लेने जा रहा हूँ अपने बीवी बच्चों को। अचानक से सडनली प्लान बन गया निकलने का। पीछे घड़ी इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको टाइम का पता लग गया। अचानक से सडनली प्लान में बन गया निकलने का, और बस ठीक है, आज लेके आ जाऊँगा। आज का ऑफिस का ऑफ हो जाएगा, कल वापस ऑफिस जा पाएंगे। और मैंने रात को कारपेट सोए थे तो इसी बाल्टी में पड़े, सुखा नहीं पाया, अभी सुखा के निकलते हैं। Hey, good morning guys. अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हम लोग जल्दी यहाँ से निकलने वाले हैं। और गुड मॉर्निंग, अभी इतना लेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे मैंने सुबह ब्लॉग किया था, तब मैं जनता होटल पे था। ऐसा हुआ था एक्चुअली, मैं 7:30 बजे वहाँ पहुँच चुका था। फिर मैंने अंकिता को फ़ोन करके बताया कि अंकिता मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, किसी को लेने भेज दे। तो एक्चुअली मेरी नींद ही बहुत लेट खुली यार, इस वजह से मैं पहले इन्फॉर्म नहीं कर पाया। फिर मैं वहाँ पर बैठा, मैंने चाय ऑर्डर की, तो चाय बनाने में उन्होंने ले लिए 15 से 20 मिनट। इतने में मुझे लेने पापा जी आ गए। तो जैसे ही चाय उसने टेबल पे रखी, वैसे ही मतलब पापा जी मुझे दिख गए। अंकिता का फ़ोन आ गया था कि भाई पापा जी वेट कर रहे हैं, कहाँ हो? तो मैंने बोला भाई चाय कैंसिल करो। उनका भी नुकसान हुआ, मेरा भी चाय पीने का बहुत मन था जनता होटल की, क्योंकि जनता होटल मतलब मैं वहाँ इतनी बार रुका हूँ ना, लेकिन वहाँ पे कभी मैंने चाय नहीं पी। और मैंने सुना है कि वहाँ पे नाश्ता पानी बहुत अच्छा है। हो सका तो नेक्स्ट टाइम हम लोग वहीं नाश्ता पानी करेंगे। नाश्ता एक्चुअली मैं नाश्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम किसी को जानते हैं, वो नाश्ता बहुत बोलता है। ये गाइस, अभी 11 बजने वाले हैं और सारी पैकिंग हो चुकी है। दिखा देता हूँ पीछे, ये सारी पैकिंग है और एक बैग बाहर पड़ा है। अंकिता अभी नहाने गई है, बेबी बिल्कुल रेडी है, मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, बस अब निकलना है। चले भाई, लेट करा दोगे बाकी तुम लोग। क्या बात है, आज तो तुमने सिंदूर लगा रखा है, यकीन ही नहीं हो रहा। हम लोग वेट कर रहे हैं एक रोने का वीडियो आ जाए प्यारा सा, तब नहीं दूंगी, कमाने लग जाऊंगी तो। ठीक है माता, आंसू कौन है ना, आता रंग में तोरे जा रहे अपन नई जगह, आशीर्वाद भी दे रहा है, खुश रहना। बेटू, अरे नहीं खुलेगा, नहीं मत परेशान कर। ले भाई, माता जी को आशीर्वाद है, तुम खुश तो खुश रहो, बसता रहो, खूब रज्जी रहो सकला। तारे भी छोटा भाण भाई है को जल्दी आवे और नौकरी लग जाए, दीक्षा की जिन्नू की, यही आशीर्वाद है माता जी। तो जी फाइनली हम लोग जा रहे हैं जयपुर हमारे घर। वैसे इमरजेंसी में जाने की एक वजह है जो हम टाइम आने पर शेयर करेंगे। एंड मम्मी बहुत रोई, बहुत ही ज्यादा रोई, और मम्मी रोई तो इसलिए मेरे को भी रोना आ गया। बाकी मैं रोना नहीं चाहती थी क्योंकि पता था मैं रोई तो ज्यादा माहौल खराब हो जाएगा। और छोटू हमारा सो रहा है, के मार मार के रोएंगे। बेबी हमारी सो रही है जब से हम मतलब घंटे पर पहले से ही जब हम निकलना था, पता नहीं सो क्या सपना आ जाता है कि सो गाड़ी में जा। मुझे मेरी मम्मी के लिए एक बात बोलनी है, थैंक यू माँ फॉर एवरीथिंग, फॉर टेकिंग गुड केयर ऑफ मी एंड माई चाइल्ड। एंड अगर मैं यहाँ नहीं होती आपके पास एक मंथ, तो शायद मेरे को थोड़ा फोबिया होता कि मैं बच्चा पाल पाऊंगी ढंग से या नहीं। बट आपने अच्छी ट्रेनिंग करी है और मेरे में हिम्मत भी आ गई है क्योंकि मैं फिजिकली भी स्ट्रांग हो गई हूँ पहले से बहुत डिलीवरी के बाद से, और मेंटली भी स्ट्रांग हो गई हूँ, और थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया है आपके सपोर्ट से। एंड
दूसरा थैंक यू बनता है बहुत बड़ा मेरी भाभी का, शी सच अ गुड गर्ल। उन्होंने मतलब मेरे बेबी के कपड़े धोने तक, मेरे को गर्म पानी पकड़ाने तक, मेरे को खाना पकड़ाने तक, बर्तन धोने तक, मतलब हर काम में मतलब उन्होंने मम्मी का हाथ बटाया और ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मतलब कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। मेरे को गिल्ट फील होती थी कि मैं कुछ घर का काम नहीं कर रही हूँ, कि मैं आलसी टाइप की इंसान नहीं हूँ, मेरे को काम करने की आदत है। बट वो मेरे को डांटती थी, ये मत करो, अब सॉक्स पहन लो, अब शॉल ओढ़ लो, अब ये कर लो, वो कर लो, वो ध्यान रखा। थैंक यू दीक्षा, एंड मैं कभी नहीं भूलूंगी, एक महीना हमेशा याद रहेगा। तुम्हारा एक पति भी है मेरे बेबी की तरफ से, थैंक यू बहुत सारा प्यार, और हम आते जाते रहेंगे। हर बार जब भी आएंगे छुटकी में थोड़े और चेंजेस मिलेंगे और आप लोगों के साथ। थैंक यू पति को भी बनता है थोड़ा सा, पति को तो एवरग्रीन थैंक यू है मेरा, क्योंकि इनका तो इतना 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 सपोर्ट है। ही इज वर्ल्ड्स बेस्ट 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 हस्बैंड एवर। बाकी सब काटना है, यही लाइन रखनी। नहीं, प्रेगनेंसी में भी मेरे हाथ पैर दबाना, मेरे खाने पीने का ख्याल रखना, यहाँ भी मतलब एक भी वीकेंड ऐसा नहीं गया जब मोटू नहीं आयो हमसे मिलने, तो बहुत अच्छा लगता था। बाकी मुझे इनकी टेंशन रहती थी, खाना खाते एक टाइम पे नहीं खाते, वैसे नहीं खाया क्योंकि 4 किलो वजन कम हो गया ना, फिर भी देखो कैसा मोटा। नहीं, को झांकी वांकी निकल रही है शायद बालाजी, बालाजी की, बालाजी की पक्का कबड़ी है, कहीं तो जा रहे हैं। लोग इधर आ रहे हैं तो एक बच्चा सा खड़ा था, बच्चा नहीं आदमी, आदमी क्या बेहोश लग रहा है हमें, तो हम सोच रहे हैं एक बार देख के आए क्या माजरा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो गिरने वाला है वो सड़क पे। अच्छा, वो लटका हुआ था, झटके खा रही थी इसकी बॉडी, पानी वानी पिला देते हैं चलो। हाँ, तो अभी हम लोगों ने गाड़ी वापस मोड़ लिया, अभी उसी के पास है, देखते हैं क्या पता वो धूप से बच के खड़ा हो। मेरे इधर गरीब से लग रहा है, बोल ही नहीं रहा है, पानी भी नहीं पी रहा है। हे गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और हम लोग जयपुर आ चुके हैं, बहुत चुके हैं, वैसे आपने ब्लॉग में देख लिया होगा। और रास्ते में एक इंटरेस्टिंग बात हुई, हमको पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और हमारा 1,000 रुपये का चालान कट गया, मतलब स्पीड लिमिट एक्सीड करने का। मतलब मुझे लगा नहीं था कि ये कभी हो सकता है पॉसिबल, लेकिन हो गया, मतलब किस्मत फूटी हो तो हो जाता है। स्पीड लिमिट थी 85 और हम लोग थे 90, मतलब 5 किलोमीटर का डिफरेंस था, और हाँ केवल 5 किलोमीटर का डिफरेंस था और हम लोगों को पकड़ लिया, मतलब गजब। और वापस से ये वाली टेबल बाहर आ चुकी है, मतलब अब इसकी जगह यहाँ पे फिक्स है, बेबी की छोटी नर्सरी ये बन के रहेगी। और अभी ये देखो बेड का हाल कुछ ऐसा है, रजाइयाँ रजाइयाँ, तकिए तकिए, बीच में छोटियाँ, और अंकिता पीछे लगी हुई है, काम काज जो है कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर रही होगी। सो यहाँ पे अंकिता बेबी के फेस पे क्रीम लगा रही है, जो कि दीदी एक गिफ्ट देके गई थी बेबी के लिए। इसमें सारे आइटम्स थे, इसमें एक और चीज़ थी, इसमें एक और क्या था, पाउडर मैं यूज़ करती। अच्छा, इसमें एक पाउडर भी था जो हम लोग ऑलरेडी बेबी के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखो अंकिता की एक आदत बिल्कुल पसंद नहीं है अभी, मतलब वहाँ पे सजावट में लगी हुई है, सजावट इन द सेंस कि हाँ ठीक है सजावट नहीं बोलते, मतलब सारा सामान ला के वहाँ पे पटकना भाई, जब जरूरत होगी वैसे वैसे आ जाएगा, अभी आई है तब से भाग रही है इधर उधर, फिर बाद में रात को रोएगी, नाटक करेगी, और हाँ बिल्कुल। तो जब मैं समझा रहा हूँ कि अभी तुम मत करो ना, मेरे को बता दो उसी, मैं जाके क्या दिक्कत है। इसकी नींद है ना बहुत खतरनाक है, मतलब नींद के मामले में अपने मेरे हस्बैंड पे गई है कि बस मस्त बढ़िया सोती है अपना, अच्छा जब सोती है, और इरिटेट होने के मामले में मेरे पे गई है। जब अच्छी नींद में हो और कोई छेड़ दे तो उसको उतना गुस्सा आता है, मैं भी है ना बहुत गुस्से वाली हूँ, नींद में मेरे को छेड़ देना कोई बर्दाश्त नहीं होता, फिर कोई जी हो जाए। फिर है ना मेरी मम्मी छेड़ देती इसको जैसे अच्छी नींद में आई है, तो मेरी मम्मी से बोलती छोटिया वो छोटिया बात कौन करेगी, बहुत कौन ले रहे, तो ऐसे करती थी ना को गुस्सा, ऐसा लगता था गुस्से में इरिटेट हो रही। तो सोच छोटी आपकी अचानक से बैठ गया, रात ही पता लगा के बोले हाँ बोलो क्या बात कर लिया। दोनों दोनों ना कहाँ बजाए रूम छोड़ के भाग जाए।